व्हाट डू यू मीन बाय अ जॉइंट फैमिली? एक जॉइंट फैमिली से आप क्या समझते हैं? अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अवर सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन। एक ऐसा संयुक्त परिवार जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन? ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादाजी दादी जी, पेरेंट्स, माताजी पिताजी, अवर सिबलिंग्स, हमारे सगे भाई बहन, अंकल्स, चाचा जी, आंट्स, चाची जी एंड कजन्स, और हमारे चचेरे भाई बहन। मेंशन एनी टू वैल्यूज विच यू हैव लर्नड फ्रॉम योर फैमिली। किन्हीं ऐसे दो मूल्य के बारे में बताइए जो आपने अपने परिवार से सीखे हैं। द वैल्यूज विच वी हैव लर्नड फ्रॉम अवर फैमिली आर, दे टॉट अस टू बी काइंड, हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। मूल्य जो हमने अपने परिवार से सीखे हैं, क्या सीखे हैं? वो हमें सिखाते हैं काइंड, दयालु बनना, हॉनेस्ट, ईमानदार बनना एंड हार्ड वर्किंग, हमेशा मेहनत करते रहना। दे आल्सो टॉट अस टू बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स एंड ओबे अवर एल्डर्स, और वो हमें सिखाते हैं हमेशा बड़ों का आदर व सत्कार करना। इन व्हाट वे यू कैन हेल्प व्हेन गेस्ट विजिट योर होम? वी कैन हेल्प गेस्ट व्हेन दे विजिट अवर होम बाय द फॉलोइंग वेज, बाय ग्रीटिंग देम विद अ हैप्पी फेस, उन्हें खुशनुमा चेहरे के साथ में उनका सत्कार व आदर करके, बाय ऑफरिंग देम वाटर, स्नैक्स एंड अदर बीवरेजेस, और उन्हें पानी, नाश्ता और अन्य पेय पदार्थ ऑफर करके। व्हाट डिड यू डू इन योर समर वेकेशन अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग द होमवर्क? एक्सप्लेन इन डिटेल्स। आप सभी लोग होमवर्क करने के अलावा समर वेकेशन में कौन कौन से कार्य करते हैं उनको समझाइए। We do a lot of activities during the summer holidays. Some of them are like this. हम लोग समर वेकेशन में बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। We go to visit our relatives. हम लोग अपने relatives के घर पे जाते हैं। We play a lot of games. हम अनेक प्रकार के गेम खेलते हैं। We watch cartoons in TV. हम टीवी के अंदर कार्टून फिल्म देखते हैं। We make decorative items from the waste material. हम पुराने बेकार सामान से सजावट का सामान भी बनाते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर दादाजी यू लाइक द मोस्ट, व्हाई? आपके दादाजी की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको पसंद है और क्यों? माय ग्रैंडफादर्स क्वालिटीज आर, मेरे दादाजी की विशेषताएं जो कि निम्न प्रकार से हैं। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठते हैं। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु है। हार्ड वर्किंग, मेहनती है एंड हॉनेस्ट, और ईमानदार भी है। He loves and support everybody in the family. वो परिवार में सभी से प्यार करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। And also takes important decision in the benefit of the family. और घर में कोई भी important decision, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय वो परिवार के हित में ही लेते हैं। I like these qualities because it helps me to lead a meaningful life. मुझे qualities इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरी मदद करती हैं एक सार्थक जीवन जीने में। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? सार्थक जीवन। व्हाट इज मीन्ट बाय अ फैमिली? एक परिवार से आप लोग क्या समझते हैं? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल लिविंग टुगेदर इन अ सेम हाउस फॉर्म्स अ फैमिली, ऐसे लोगों का समूह जो आपस में संबंध रखता हो, जब एक ही घर में रहता हो तो उससे क्या बनता है? परिवार बनता है।